हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू न्यू वीडियो। सो आज हम बनाएंगे पालक कोफ्ता। सर्दियों में पालक बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो ये आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लेनी है पालक, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है आज की रेसिपी का। यहाँ पर मैंने पालक लेकर इसे अच्छे से वॉश कर कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा हॉट वाटर ले लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे हम बॉयल बिना ढके करेंगे ताकि जो इसके न्यूट्रिशंस है वो ख़त्म ना हो और इसका कलर भी चेंज ना हो। रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही बनाई जाती है, बिना इसे मीन्स बिना ढके पालक को बॉयल किया जाता है। इससे क्या, इसका कलर बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, कलर में कोई भी फेडनेस नहीं आएगी। इसे हमने अराउंड 7 to 8 मिनट्स के लिए सबसे पहले बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के टाइम हमने इसमें एक पिंच शुगर का भी ऐड कर देना है, इससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है, एक पैन में हॉट ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अनियंस। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से पीस लिया है और इसे डालकर हम पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि इन प्याजों का कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब भी इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च और गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी पेस्ट। इसे डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है उसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। इसे हमने साथ साथ हिलाते रहना है, अगर नहीं हिलाएंगे तो ना ये हमारा जो पेस्ट है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अदरक और गार्लिक का जो पेस्ट है ना बहुत जल्दी से ही हमारा सड़ने लग जाता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी। इसे मैंने अच्छे से पीस लिया। इसे डालकर भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये हमारी ग्रेवी जो है सड़े ना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। जब तक ये पक रही है हम अपनी पालक को भी देख लेते हैं। पालक भी यहाँ हमारी बॉयल हो रही है, बस 2-3 मिनट और लगेंगे इसे बॉयल होने के लिए। अब हम बना लेंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को हमने अच्छे से मैश करना है। इसे अच्छे से मैंने 5 मिनट के लिए मैश किया है, मीन्स इसे मसल लेना है। अब इसके बाइंडिंग के लिए मैं डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया, इसमें अराउंड एक छोटी कटोरी के अराउंड मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, थोड़े से उसमें से बचा लिए, अगर ज़रूरत होगी फिर डाल लेंगे। और 2 चम्मच इसमें मैंने डाल देने हैं मैदा, और इसमें डाल देना है कस्तूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसमें मैं डाल दूंगी नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग में थोड़ा ही डालना है क्योंकि सब्जी में भी फिर नमक होगा। और एंड में मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ जीरा। अब फिर हमने इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। मैश करने से पहले एक चीज़ और ऐड करनी है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने एक छोटा आलू बॉयल किया हुआ ऐड किया, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल लीजिए, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर गूंद लेना है। इसे हमने वैसा बना लेना है जैसे हम स्पंजी रसगुल्ले बनाते हैं। अराउंड मुझे 5 मिनट लगे हैं इसे गूंदने के लिए। ये मैंने यहाँ पर एक कोफ्ता बनाकर देख लिया, इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं आए, मीन्स ये हमारा जो डो बना है वो बिल्कुल परफेक्ट है कोफ्ते बनाने के लिए। अगर हमारा डो अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे कोफ्ते फटने लग जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने सभी कोफ्ते बना लिए, आप जो मर्जी शेप के बना सकते हैं। मैंने सिलेंड्रिकल शेप के यहाँ पर कोफ्ते जो हैं बना लिए हैं। अब हमने इनको क्या करना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए। पहले इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब हमने कोफ्ते फ्राई करने हैं तो इसका जो टेम्परेचर है, फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम कर देनी है। सबसे पहले आपको एक कोफ्ता डालकर देख लेना है, सभी ना डालिए। अगर हमारा पहला ही
फटेगा तो मीन्स हमारी बाइंडिंग अच्छी नहीं है इसमें, और हमें बाइंडिंग के लिए मैदा या ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे। तो मेरा तो लेकिन परफेक्ट बन गया है, मीन्स मेरी जो कोफ्ते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही मैं सभी के सभी कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे सभी कोफ्ते जो है फ्राई कर लिए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कोई क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं आया, और अंदर से भी बहुत अच्छे बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। ये ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम ज़्यादा सॉफ्ट बना देंगे तो वो हमारे ग्रेवी में कोफ्ते मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरी पालक भी जो है बॉयल हो चुकी है, इसे मैंने स्टेन कर लिया है, और जो मसाला ढककर बना रही थी वो भी लगभग हमारा पक चुका है, इसने भी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे सभी सूखे मसाले। सूखे मसाले में वो ही बेसिक जो हर सब्जी में डलता है, हमने यहाँ पर डाल दिया है नमक। नमक के बाद यहाँ पर इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला। गरम मसाले के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, एक भी हल्दी पाउडर कम ही डाला है, बिल्कुल हाफ स्पून ही डालना है। और फिर इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग आप रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लीजिए। पहले भी रेड चिल्ली मीन्स ग्रीन चिल्ली हमने ऐड की है, अब यहाँ पर मैंने कम ही ग्रीन रेड चिल्ली ऐड किया, नहीं ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाल देना है भुना हुआ बेसन। बेसन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है, अगर आप बिना रोस्ट किए हुए डालोगे तो मीन्स कच्चा रहने की थोड़ी सी इसमें कच्चेपन का टेस्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं मसाले में, ताकि मसाले में बिल्कुल मिक्स हो जाए। ऐसे अगर आप पालक कोफ्ता बनाएंगे तो आपका पालक कोफ्ता बहुत टेस्टी बनेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और यही मैंने पालक को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। पालक को जब मैंने ग्राइंड किया इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें पहले खुद ही पानी होता है, तो अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये पतली बन जाएगी। और यहाँ पर अब मैं धनिया काट रही हूँ डंडी के समेत। आप इसे ना एक बार ऐसे जरूर ट्राई कीजिए, डंडी के समेत धनिया को पीस कर डालिए। आप चाहे तो जब हमने पालक को पीसा था तब भी डाल सकते थे, मैं तब भूल गई थी, अब पीस रही हूँ। अब ये देखिए हमारा मसाला भी बन चुका है अच्छे से, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मेरी पालक जो मैंने ग्राइंड की हुई है। आप पालक का कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन है, इसके कलर में कोई भी मीन्स कलर चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसे मीन्स बॉयल कर कुकर में बनाते तो इसका कलर चेंज हो जाना था। 1-2 मिनट पालक को पकाने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी धनिया। धनिए को आपको एक डंडी के समेत ही पीसना है, इससे क्या है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट्स में यही एक सीक्रेट है जो किया जाता है। और जो बेसन की क्वांटिटी है वो भी आपको ज़्यादा नहीं डालनी, 2 स्पून ही डालने हैं, नहीं तो ना इसमें ना साग जैसा फ्लेवर ही आ जाएगा, आपको अब फर्क ही नहीं लगेगा आप साग खा रहे हो कि आप पालक कोफ्ता खा रहे हो। तो अब इसमें मैंने डाल देनी है कस्तूरी मेथी, इससे भी इसमें बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एंड में मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश क्रीम, यहाँ पर मैंने अराउंड 1 बड़ा स्पून ही फ्रेश क्रीम का ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1-2 मिनट पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं फिर ना जो मलाई है ना वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये लीजिए हमारी जो पालक की ग्रेवी है वो बन चुकी है। अब इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब इसमें एंड में मैंने डाल देने हैं कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। तो ये लीजिए हमारा पालक कोफ्ता रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो चुका है, जिसे कि आप चपाती राइस किस मर्जी के साथ सर्व कर सकते हो। आप एक बार ये वाला स्टाइल में पालक कोफ्ता जरूर बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी पालक कोफ्ता कैसे बनी थी। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी किसी भी कारण तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक्स।